सो हैलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो गाइज, आप में से जो है कई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम FZS V3 या फिर FZX, दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है एंड दोनों के जो ऑन रोड प्राइस है उनमें कितना डिफरेंस है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है इन दोनों ही बाइक्स के डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ, इन दोनों ही बाइक्स के ऑन रोड प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ और इनमें से आपके लिए कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों ही बाइकों के चेंजेस के बारे में, तो पहले आप लुक से स्टार्ट कर लीजिए। लुक आप देख सकते हैं, ये जो है एक स्पोर्ट्स नेक्ड बाइक है एंड जो FZX है ये जो है कि रेट्रो स्टाइल की बाइक है। तो लुक वाइज तो गाइस दोनों ही बाइक का जो लुक है वो टोटली चेंज है एंड उसमें आपका अपना खुद का ओपिनियन होना चाहिए कि आपको कौन सा लुक जो है सबसे ज़्यादा पसंद आता है, FZS का या फिर FZX का। इसके अलावा अगर चेंजेस की बात करूँ तो गाइस आप सबसे पहला चेंज देख सकते हैं हेडलाइट का, जिसमें जो है आपको यहाँ पे LED लाइट सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो है आपको प्रोजेक्टर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा एंड जो इसके बल्ब हैं ये जो है आपको LED मिल जाएंगे जब आप बाइक परचेज करेंगे ड्यूलेक्स मॉडल में, V3 में नहीं, इसके नॉर्मल वर्जन में नहीं, ओनली ड्यूलेक्स मॉडल में। एंड वहीं बात करूँ मैं FZX की, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको राउंड शेप की जो है लाइट मिलती है, जिसमें आपको जो है सराउंडिंग इसके DRLs मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे चलते हैं एंड इसमें जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जिसकी जो ब्राइटनेस है वो बात करूँ तो FZS से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें जो आपको इंडिकेटर है वो हैलोजन ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइस दूसरा जो मेजर चेंज है वो है इसके मीटर कंसोल में। मीटर कंसोल जो है आपको FZS में थोड़ा बड़ा मिलता है एंड जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग है। अभी जो बाइक है बैटरी कनेक्शन नहीं है इसलिए ऑन नहीं हो रहा, वरना मैं आपको डिटेल में दिखाता, बट मैंने जो इस पुरानी वीडियो में मीटर एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड अगर बात करूँ मैं FZS V3 की, तो इसका जो मीटर कंसोल है आप देख सकते हैं इसमें वही आपको ओल्ड वर्जन वाला मीटर कंसोल मिलता है जो कि बहुत छोटा सा है। तो ये हो गया आपका सेकंड चेंज। एंड दूसरी बात की इसमें जो है आपको USB का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है जो कि आपको FZS में नहीं मिलता, वो X में मिल जाता है। इसके अलावा जो है टैंक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं FZX में जो है काफ़ी ब्रॉड यानी काफ़ी चौड़ा आपको जो है टैंक मिलता है एंड डायरेक्ट जो है आपको ये मेटल का टैंक देखने को मिलता है। वहीं FZS में जो है आपको एक स्पोर्टी सा टैंक देखने को मिलेगा जो कि फाइबर बॉडी के साथ आता है, इसके अंदर टैंक होगा, ऊपर से जो है पूरी फाइबर बॉडी की जो है कवरिंग होती है। इसके अलावा जो बड़ा चेंज है गाइस वो है इसके मडगार्ड का। FZX में जो आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको मेटल बॉडी का जो है मडगार्ड मिलता है जो कि आपको मैं बजा के भी सुना सकता हूँ, ये देखिए आपको इसमें मेटल की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत रहेगा। एंड वहीं जो है आपको FZS V3 में जो है फाइबर बॉडी का ही मडगार्ड देखने को मिलेगा। दूसरा इसके जो टेलीस्कोपिक है वो आपको अनकवर मिलते हैं क्योंकि वो लुक के साथ मैटर करते हैं। वहीं जो है आपको FZX में जो है रबड़ कवर के साथ जो है आपको इसमें टेलीस्कोपिक फॉक मिलते हैं जो कि दोनों सेम कैटेगरी के हैं। साथ ही आपको दोनों ही में सिंगल चैनल ABS मिलेगा इसमें भी एंड आप देख सकते हैं इसमें आपको FZS V3 में भी। दोनों बाइक्स में आपको डुअल चैनल डिस्क तो मिल जाएंगे बट जो है ABS सिंगल चैनल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इंजन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही बाइक्स में जो है इंजन सेम कैटेगरी का यूज़ हुआ है एंड जो सेम इंजन है वो आपको दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलेगा। इंजन में पावर, परफॉर्मेंस, हर चीज़ आपको जो है एकदम सेम देखने को मिलेगी। सीट के कंफर्ट की अगर बात करूँ तो FZX की जो सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है आपकी FZS V3 से। V3 में जो है आपको थोड़ी लंबी सीट जरूर मिल जाती है, आप देख सकते हैं FZX में उतनी लंबी सीट नहीं है बट जो है काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको इस पर जो है फील होगी एंड जो इसको चलाने में भी आपको जो है एक अलग सा फील आएगा क्योंकि के हैंडल आप देख सकते हैं काफी मतलब आगे तक आ रहे हैं, जहां की अगर मैं बात करूं FZS V3 के तो इसके सीधे की तरफ एकदम यूनिक पोजीशन में नहीं है जो कि इसके हैं आप देख सकते हैं, इसीलिए इसको रेट्रो स्टाइल जो है बाइक कहा जाता है। एंड अगर बात करूं इसके एग्जॉस्ट की तो ये भी आप देख सकते हैं इसका लुक जो है काफ़ी अलग है एंड FZS V3 में जो आपको कुछ अलग टाइप का जो है एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। दोनों का जो एग्जॉस्ट साउंड है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो गाइज इन दोनों बाइक्स में और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बाकी लुक एंड डिज़ाइन तो आपको दोनों बाइक्स में जो है अलग ही मिलेगी क्योंकि ये FZS है और वो है FZX, दोनों मॉडल्स अलग हैं तो दोनों में जो लुक है वो भी आपको अलग ही देखने को मिलेगी। एंड अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स के ऑन रोड प्राइस का। तो गाइज FZX का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,53,200 यानी कि 1,53,200 रुपये इस बाइक का जो है ऑन रोड प्राइस है। एंड वहीं बात करूँ मैं अपनी FZS V3 की तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है डिलक्स मॉडल का वो है 1,41,200 इस बाइक का जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलता है। लगभग देखा जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको 10,000 से 11,000 का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक परचेज करना चाहते हैं तो आपको जो है 10,000 का गैप मेंटेन करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है FZS V3 ही ले लें क्योंकि इसमें जो है काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक मिलता है, साथ ही आपको इसमें LED लाइट्स भी मिल जाएंगी एंड कंफर्ट और माइलेज दोनों ही काफ़ी अच्छा है। एंड इस बाइक में जो है आपको कंफर्ट तो अच्छा मिलेगा बट जो लुक है वो आपको थोड़ा रेट्रो टाइप का मिलेगा। तो अगर आप इस टाइप के लुक के फ़ैन हैं तो आपके लिए ये बाइक सबसे बेस्ट रहेगी, आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। इंजन अदरवाइज दोनों ही बाइक्स में सेम है,
पावर परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा गाइज आप देख सकते हैं ड्यूलेक्स मॉडल में जो है आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका ब्लैक एंड गोल्डन वाला, एंड दूसरा जो है आपको ये देखते हैं, ये है ड्यूलेक्स मॉडल में रेड कलर, जिसमें जो आपको गोल्डन कलर के अलॉय मिलते हैं। एंड इसके अलावा अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको FZS का ये वाला कलर देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड इसी तरीके के नए नए वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड बहुत ही जल्द गाइज MT15 आने वाली है, तो MT15 की भी सबसे पहली जो है वॉकराउंड वीडियो मैं लाऊंगा, एंड उसके टेस्ट ड्राइव की वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द लाऊंगा। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।